इंदौर के समीप गौतमपुरा के एक घर से राजस्थान से आई पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, दो पिस्टल, चार मैगजीन और 308 जिंदा कारतूस जब्त किए। राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर गौतमपुरा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान SOG ने इंदौर के समीप गौतमपुरा पुलिस के साथ मिलकर रविवार दोपहर नयापुरा में गैरेज चलाने वाले सलीम खान के घर दबिश दी। दबिश में मौके से पुलिस को अनाज की कोठी में छुपा कर रखे हथियार, पिस्टल, मैगजीन और कारतूस मिले। पुलिस ने गैरेज चलाने वाले सलीम खान के साथ रतलाम के अक्रम खान को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार 3 दिन पहले ही अक्रम हथियार लेकर सलीम के घर आया था। हथियार तस्कर के मुख्य सरगना बाबू शूटर, जिसे लोग सुपारी किलर के तौर पर जानते हैं और फिलहाल राजस्थान की प्रतापगढ़ जेल में वह बंद है, उसी के इशारे पर हथियार गौतमपुरा लाए गए बाबू जेल से ही पूरा नेटवर्क चला रहा है। एक सूचना आई थी, इसमें राजस्थान पुलिस की तरफ से सूचना थी कि वहां किसी अपराधी से पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि उसने कुछ हथियार यहां पर एक व्यक्ति के यहां रख रखे हैं। उस सूचना पर पुलिस ने एक कार्रवाई की। उस संयुक्त कार्रवाई में तक वहां पर दो पिस्टल्स और एक रिवॉल्वर मिली है, साथ ही कुछ राउंड्स भी मिले हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें कुल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ इनसे कुछ जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। पुलिस ने कार्रवाई में एक i10 कार और ब्लैंक चेक भी जब्त किया है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मध्य प्रदेश की इंदौर जेल में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।